सरकार की जय। श्री गोपी जन वल्लभनाथ की सदगुरुदेव भगवान की चिंता संतापहंतार दातार सुख संपदा श्री राधा मम आचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहु। अज्ञान तिमिरांध ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोर मुकुट सिर करल कुट मुरली अधर लला पीतांबर वन माल युत बसोरी दे राधिका और नंदगांव के श्याम इनके चरणन में करूं नित कोटि कोटि प्रणाम। मात पिता गुरुदेव के धरो चरण में ध्यान कुल देवी मां जीण भवानी थन लाखो लाख सभी हाथ जोड़कर गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं हे विराजो पवन सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तोरे द्वार ओ वृष भानु किला डली निक मेरे ही ओर निहार। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परम सत्ताधारी प्राणेश्वर प्राणवल्लभ परम प्रियतम लाडली सरकार श्री बांके बिहारी प्राणेश्वरी प्राणवल्लभा अघट घटना पटी से योग माया स्वरूप प्राणेश्वरी सरकार श्री राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए संपूर्ण सृष्टि के माई बाप पूज्य पिता एवं धरणी भगवान उमा महेश्वर के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए संपूर्ण सृष्टि में प्राण देने वाली शक्ति देने वाली भक्ति देने वाली
ऐसी परमाराध्या परम शक्ति मात मातेश्वरी योग माया भगवती के चरणों में प्रणाम निवेदन कर बाल सखा परम मित्र श्री हनुमान जी महाराज का अभिवादन करते हुए इस व्यास पीठ के मालिक इस गद्दी के अधिपति दादा श्री वेद व्यास जी महाराज परम पूज्य गुरुदेव प्रात स्मरणीय ब्रह्म वैवर्त कारण स्वयं भागवत स्वरूप परम वीतराग वैष्णवाचार्य बाबा सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए कलयुग के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर वाणी में कृपा प्राप्त करते हुए आज श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कथा के प्रथम दिवस के अवसर पर पांडाल में विराजमान भगवत प्रेमी स्वजन वृंद धर्मावलंबी धर्म की दूरी हमारे भाईजन वात्सल्य में करुणा में ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति माताएं मैंने मंच पर विराजमान सभी आत्मीय स्वजन वृंद एवं इस संपूर्ण भूमंडल की अधिष्ठात्री भगवती माता महालक्ष्मी सभी के चित्त में विराजमान उस परम शक्ति के श्री चरणों में सियाराम में सब जग जानी इस भाव से आप सबको प्रणाम स्वीकार आइए व्यासपीठ की मर्यादा कहती है कि जिस मुखारविंद का मार्जन न किया गया हो वह मुखारविंद भगवत नाम स्मरण के योग्य नहीं होता। जिस प्रकार धूल लगे हुए मिट्टी लगे हुए बर्तन में हम लोग भोजन नहीं करते, जिस प्रकार गंदगी जमी हुई कुर्सी पर गंदगी जमे हुए बिछौने पर हम लोग शयन नहीं करते बैठते नहीं, उसी प्रकार से जिन कानों में संसार की निंदा चुगली ये सब भरी हुई हो उन कानों में भगवान के कथा रूपी अमृत को नहीं रखा जाता। बोलो राधे राधे। अरे थोड़ा जोर से बोलो, पहले ही दिन में इतने ढीले पड़ जाओगे तो आगे क्या होगा। तो पहले अपनी देह का मार्जन करें, शरीर को मांजे धोए, इन कानों को पवित्र करें, भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो कथा हम सुन रहे हैं ना ये कथा ठीक उसी प्रकार काम करे जिस प्रकार हनुमान जी की लाई हुई संजीवनी लक्ष्मण जी के लिए काम करती। ये कथा रूपी अमृत हमारे कान के कटोरों में ऐसे भर जाए जैसे किसी देह के भीतर आत्मा समाई रहती है। जिस प्रकार इस संसार में हवा विद्यमान है, हवा मौजूद है पर दिखाई नहीं देती, वैसे ये कथा हमारे जीवन में दिख जाए, हमारे शरीर में रम जाए, ऐसी भगवती से प्रार्थना करके 2 मिनट श्री राधा माधव का नाम संकीर्तन परम लाडली सरकार श्री राधा रानी का नाम जपते हुए हम लोग आज की कथा सागर की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे। गाइए श्री राधे Yeah.
श्री राधे जय राधे 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 जय राधे श्री राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे श्री राधे सौभाग्य का विषय कि आज बद्रिकाश्रम स्वरूप आपके इस मोहल्ले में एक बार पुनः व्यासपीठ की गरिमामयी उपस्थिति में मां भगवती के दिव्य कथा का आयोजन किया गया। भागवत सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित, प्रेम की कथा है। व्यास जी के पुत्र ने जन्मेजय के पिता को कथा सुनाई और देवी भागवत सुखदेव जी के पिता ने परीक्षित के पुत्र को सुनाई। पिता पुत्र का संबंध वहां भी था, पिता पुत्र का संबंध यहां भी है। जहां से श्रीमद् भागवत का विश्राम होता है वहां से देवी भागवत का प्रादुर्भाव होता है, प्रारंभ होता है। हर ग्रंथ की अपनी अपनी महिमा है। भागवत को सुनो तो प्रेम की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस सुनो तो त्याग और वैराग्य की महिमा है। शिव पुराण को सुनो तो शिवत्व की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण को सुनो तो वैराग्य की प्राप्ति होती, संसार से मोह भंग हो जाता है। 17 पुराण है, 18वां श्रीमद् देवी भागवत महाभाष्य है। श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा क्यों? क्योंकि संसार के सभी ग्रंथों का निचोड़ श्रीमद् भागवत में, सबका थोड़ा 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 अंश है।
और कृष्ण की पूरी कृपा है, परंतु देवी भाग, देवी भागवत स्वयं में शक्ति का पुंज है महाराज। जिस प्रश्न का उत्तर संसार में कहीं नहीं मिल सकता, उसका उत्तर आपको देवी भागवत देगी। बच्चा जब छोटा होता है, नवजात होता है, धीरे धीरे आयु जब बड़ी होती है, आयु में वृद्धि होती है, बच्चा जब बोलना सीखता है तो पहला शब्द जो मुख से निकलता है वह माँ है, और वही माँ शब्द ही देवी भागवत है। बोलना सिखाती है माँ, सिखाती है चलना, सिखाती है माँ, सिखाती है आचरण व्यवहार, सिखाती है माँ, सिखाती है। तो ये जो देवी भागवत है, यह माँ है, ये सभी ग्रंथों की जननी है, क्योंकि ये शक्ति है। और बिना शक्ति के इस संसार में कुछ भी नहीं है, बिना शक्ति के सृष्टि चल ही नहीं सकती। हम हो, आप हो, चाहे ये शरीर हो, कोई लौकिक अलौकिक वस्तु हो, दुनिया में कोई भी तत्व, चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बिना शक्ति के कुछ भी नहीं चलेगा। हम लोग अभी कलश यात्रा में घूम के आए, तो जिसमें जितनी शक्ति थी वो उतनी दूर कलश उठा के चल पाता, और कुछ कुछ लोगों में शक्ति थोड़ी बैटरी डाउन होने लगी तो कलश आकर के वापस से रथ में इकट्ठा हो गया। महाराज जी नहीं चल पा रहे, नहीं उठा पा रहे। चलो, तो जिसमें जितनी शक्ति अर्थात भगवती की जिसमें जितनी कृपा बरसी, उसने अपना पराक्रम उतना दिखाया। शक्ति वहां भी चल। आज ये जो लाइट चल रही है, ये जो साउंड माइक चल रहा है, दिखाई नहीं देती बिजली, परंतु है, छूने पर महसूस होता है। कोई बिजली का तार गया हो, उसको देखेंगे तो बिजली नजर आएगी क्या? नहीं नजर आएगी, लेकिन छूने पर झटका लगेगा बड़ी तेज। उसी प्रकार से देवी भागवत में निहित शक्ति है, देखने पर ऐसा लगे कि किताब तो है, पोथी तो है, लपेट के रखी हुई सुंदर से कपड़े में, छूने पर अनुभव होता है, छूने पर महसूस होता है कि इस पोथी की शक्ति क्या है। 8 दिन तक यह समझ लो कि 4000 वोल्ट का करंट इस कथा पंडाल में दौड़ेगा। ये कथा 8 दिन की आपको जीवन भर के लिए चार्ज कर देगी। एक फोन को चार्ज होने में आजकल आधे घंटे लगते होंगे, बढ़िया वाला चार्जर हो, क्या वो AC-DC चार्जर क्या बोलते हैं आजकल, तो ज्यादा ज्यादा करंट वाले भी चार्जर हैं जिसमें जल्दी चार्जिंग हो जाएगा। मोबाइल तो आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा, पर शरीर उस मोबाइल से कई गुना ज्यादा बैटरी इसके अंदर है, उस मोबाइल से कई गुना ज्यादा GB की, TV की, कितने की भी बोल दो, वो मेमोरी इस खोपड़ी के अंदर। मोबाइल से ज्यादा जटिल तो इस शरीर का मैकेनिज्म है। मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो चार्जिंग में लगा लेते तो चार्ज हो जाता है, पर शरीर की बैटरी जब डाउन हो तो देवी भागवत सुनने की जरूरत पड़ती है। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी महाराज के परम तेजस्वी पुत्र जिनका नाम हुआ जन्मेजय, जिसका जन्म ही विजय के लिए हुआ है, वह जन्मेजय जो जन्म से ही अजेय है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, वो जन्मेजय। परीक्षित राजा को श्राप लगा था, 7 दिन बाद तक्षक नाग ने आकर के डस लिया। परीक्षित जी महाराज परम धाम चले गए, और जब चले गए तो बेटे को बड़ा क्रोध आया, बोले एक सांप के काटने से चक्रवर्ती महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई। बताओ दुनिया में उस सर्प का इतना सामर्थ्य जिसने मेरे पिता को मार दिया, तो बड़े क्रोधित हुए और गुस्से में आकर के जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बड़ा सा कुंड बनाया, बड़े बड़े ज्ञानियों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, संतों को बुलाया, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। संसार के जितने सर्प थे ना, छोटे बड़े, एक मुंह वाले, दो मुंह वाले, चार मुंह वाले, पांच मुंह वाले, काले पीले नीले मोटे पतले छोटे लंबे, जितने सांप थे, जैसे जैसे मंत्रोच्चार होता सारे सर्प आसमान से नीचे गिरते जाते, सब जाके हवन कुंड में गिर रहे स्वाहा।
सारे सब। लेकिन जन्मेजय ने देखा बड़ी देर हो गई, सारे के सारे संसार के हर वर्ण के सर्प आ गए, सारे के सारे गिर गए, जहर वाले बिना जहर वाले सब हवन कुंड में चले गए, परंतु जिसने मेरे पिता को मारा वो तक्षक अभी तक नहीं आया। यज्ञ के आचार्यों से प्रार्थना की, महाराज पता लगाओ तक्षक कहाँ है। हम नेत्र बंद किए ध्यान लगाया तो पता चला तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन को लपेट के बैठ गया। मैं नहीं मरूंगा। और जैसे ही बताया उन्होंने महाराज को, तो इंद्र की शरण में है, इंद्र ने उसकी रक्षा का वचन दिया, इंद्र के सिंहासन को लपेट के बैठा है। जन्मेजय जी महाराज ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, बोले इंद्र को भी हवन कुंड में डाल। आवाहन प्रारंभ किया, शक्रादि नाम यशो काश्यप सुतम महान कश्यप जी महाराज के पुत्र देवराज इंद्र तुम्हारा आवाहन करते हवन कुंड में चले जाओ। जैसे ही आवाहन किया महाराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। पहला मंत्र हुआ, दूसरा मंत्र हुआ, सिंहासन समेत देवराज इंद्र नीचे आ रहे, अब वो सिंहासन में लपेटा हुआ नाग भी नीचे आ रहा। जैसे ही नाग ने देखा बोले यहां तो इंद्र के भी प्राण संकट में, तो नागराज ने तुरंत सिंहासन छोड़ दिया। अब इंद्र हवन कुंड में गिरने ही वाले थे, इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, असावधान रोक दिया, स्तंभन कर दिया। देवराज इंद्र के प्राण में प्राण आए, बोले महाराज आज तो ये लड़का हमको जला करके राख कर देता है। बताओ तक्षक ने हमारे सिंहासन को लपेट लिया। बोले जिस सिंहासन को बड़े बड़े राक्षस नहीं हिला पाए, उस सिंहासन को इसने हवन कुंड में डालने की चेष्टा करी। महाराज याद रखना, देवता मंत्रों के अधीन होते, देवता जो है वो मंत्र के अधीन है। आप जब किसी मंत्र का बार 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 उच्चारण करोगे और यदि आपके उस प्रकार की त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार की गलती नहीं है, तो वह मंत्र जाकर के अंतरिक्ष में एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, एक कंपन उत्पन्न करेगा, और वह कंपन जाकर उस मंत्र से संबंधित देवता को स्पर्श करेगा, और जिस भी देवता को आप बुलाएंगे उस देवता को दर्शन देने आना पड़ेगा। ये आज भी संभव है। कोई कहे गुरु जी ये तो पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने की नहीं, आज भी होता है। बड़े बड़े महात्मा लोग जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ कुंड में अग्नि देव का आह्वान होता है, सारे ब्राह्मण एक साथ बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं और मंत्रोच्चार के द्वारा अग्नि देव को प्रकट कर देते हैं, अग्नि आ जाती। क्यों? क्योंकि देवता मंत्रों के अधीन है, ये मंत्र ही उनका भोजन है। आप जब भी किसी देवता पर आराधना करें, जब भी किसी देवता की साधना करें, तो मंत्र और मंत्रों में उच्चारण का बड़ा महत्व है। तो ब्राह्मणों ने इंद्र का आवाहन कर दिया, अब इंद्र देवराज नीचे गिरने लगे, तो ब्रह्मा जी बोले तुम अपने घर जाओ, इसको हम देखते। जन्मेजय के पास गए, बोले बेटा क्या बात है। अब जन्मेजय की क्रोध में आंखें लाल, बोले आपने रोका क्यों, इसने मेरे पिता के हत्यारे को शरण दी है, अर्थात ये भी उस हत्या में शामिल है, मैं इसे भी मार दूंगा। ब्रह्मा जी महाराज बोले शांत हो जाओ, क्रोध करने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है, क्रोध नाश का कारण है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कमलेश भैया हाथ से खाली नोट गिनोगे का है? राधे राधे बोलो जोर से। आवाहन कर लिया, अब बोले इसको हम देखते, तुम जाओ। तो जन्मेजय को क्रोध आया, बोले ये भी शरण दे रहा है। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, बोले क्रोध करने से केवल आदमी का नुकसान होता है, कहीं फायदा नहीं है। क्रोध में लिया गया प्रत्येक निर्णय आपको सर्वनाश की ओर अग्रसर कर देता है, इसीलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो लोग क्रोध में आकर के निर्णय लेते हैं, ऐसे मनुष्य किसी और का नहीं अपना ही नुकसान ज्यादा करते हैं। तो जन्मेजय ने हाथ जोड़कर कहा, बोले महाराज मेरे मन में तो शांति नहीं है, जब तक मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा, मेरा दिमाग जो है इसी कार्य में लगा रहेगा। ब्रह्मा जी महाराज बोले कि शांति तो केवल भगवती की शरण में मिलती है। तात्पर्य, जैसे एक छोटा सा बच्चा है
उसे भूख लग रही है, वह बड़ा बेचैन है, बेहाल है, रो रहा है, दादी के पास भी चुप नहीं होगा, नानी के पास भी चुप नहीं होगा, चाची के पास चुप नहीं होगा, मामी मौसी के पास चुप नहीं होगा, उस बच्चे को शांति कहाँ मिलेगी? माँ की गोद में ही शांति मिलती है। उसी प्रकार संसार रूपी भूख से, संसार की कष्टों से, संसार के दुख से जब यह शरीर, जब यह आत्मा अत्यंत पीड़ित हो जाए, जब इस आत्मा को कहीं शांति न मिले, जब इस आत्मा को कहीं चैन न मिले, तब भगवती की शरण में जाने से ही शांति मिलती है। बोलो राधे राधे। शांति कहाँ मिलेगी? भगवती की शरण में। तो जन्मेजय ने कहा, बोले मैं ढूंढू कहाँ माँ को, कहाँ मिलेगी? बोले माँ तो सब जगह है। देवी भागवत की कथा का श्रवण करो, तब तुम्हारे चित्त में शांति प्राप्त होगी। जो ऊर्जा नष्ट हुई है, क्रोध करने से भी तो ऊर्जा खत्म होती ना, आप कभी गौर करके देखना, बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे ना, बहुत ज्यादा गुस्सा करने के बाद जब दिमाग शांत होता है तो शरीर में थकान महसूस होती है कि नहीं? शरीर थका हुआ लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना पहाड़ उठा लिया, तो शरीर टूटने लगा। राजा जन्मेजय बोले, महाराज मैं तो कामतिहीन हो गया, शक्तिहीन हो गया, मेरा मन अभी भी उद्विग्न है, शांति कैसे मिलेगी? बोले माँ की शरण में जाओ। तो जन्मेजय जी महाराज महर्षि व्यास की शरण में गए, स्तुति करी है जाकर के अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तदपदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। हे महर्षि, साक्षात माता मां लक्ष्मी आपकी वाणी में विराजमान है, आप जो कुछ भी कहते हैं वह सर्वथा सत्य ही होता है, इसलिए हे व्यास जी मेरे इस बेचैन मन को, मेरी इस उद्विग्न बुद्धि को आप कृपया शांत करें, मैं आपके शरण में हूं। जिस भी कथा को सुनकर, जिस भी ग्रंथ से, जिस भी पुराण से, जिस भी प्रयोजन आयोजन साधन व्याधन से मेरे चित्त को शांति मिले, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें। तो महर्षि व्यास ने कहा, भी देवी भागवत की कथा सुनाते हैं आपको, बैठो, बड़ा सुंदर इतिहास है भगवती का, भगवती का नाम है ही इतना सुंदर, माँ का नाम होता ही इतना प्यारा है कि मुख से नाम निकलते ही शांति मिलती है। जन्मेजय जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज सुन तो लूंगा लेकिन मेरे मन में एक डाउट है, मेरे मन में एक शंका है, उसका निवारण किया जाएगा। क्या शंका है? तो कहने लगे कि महाराज आप ये बताओ, इस देवी भागवत को पहले किसी ने सुन करके शांति प्राप्त की है? डॉक्टर बढ़िया हो, MBBS डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट हो, हम लोग चले गए इलाज कराने, डॉक्टर साहब बोले कि ये चार रंग की दवाई है, लाल वाली, पीली वाली, हरी वाली, नीली वाली, ये चारों दवाई सुबह शाम खाते रहना, ठीक हो जाओगे। बढ़िया डॉक्टर है, नाम सुन के आए हो, फीस भी बढ़िया दे रहे हो, लेकिन फिर भी एक बार पूछोगे, महाराज ये गोली खाने से मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? ठीक तो हो जाऊंगा ना? डॉक्टर बोलेगा, अरे भैया ऐसे ही थोड़ी, छोटे मोटे डॉक्टर थोड़ी, MD है, इतने बड़े डॉक्टर है, MBBS है, हमारे पास आयो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जन्मेजय पूछ रहे, महाराज आपके पास आ गया हूं, आप जो सुनाओगे सुन लूंगा, जो व्याख्यान दोगे ग्रहण करूंगा प्रसाद समझ के, लेकिन क्या इसको सुनकर के मेरे चित्त में शांति मिलेगी? व्यास जी बोले, सुनो, विश्वास वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामती, आप रस को ग्रहण तभी कर सकोगे जब आपको उस पर विश्वास हो। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बड़े से बड़े वैद्य के पास चले जाओ और आपकी बीमारी अगर ठीक हो जाए तो ये उस वैद्य की कुशलता नहीं है, ये उस दवाई की कुशलता नहीं है। तब बोले, चमत्कार कहां है? कहा आपके विश्वास में। विश्वास हो तो मंदिर के पुजारी के दी हुई एक चुटकी
की बहुत भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती है, आपको भरोसा होना चाहिए। जाते हैं ना कहीं यज्ञ में गए, हवन में गए, तो वहां से जाकर के भभूति लेके आते घर, सबको दे देते। कई बार उससे भगवान की कृपा रही तो बीमारी ठीक हो जाती है, बच्चों में नजर रहे तो नजर उतर जाती है। क्यों उतर जाती है? भभूति तो है, उतरती है आपके विश्वास की वजह से। तो व्यास जी महाराज ने कहा मैं कथा तो सुनाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? बोले विश्वासो परम गीयते, आपको अगर विश्वास हो तो कथा सुनो, नहीं तो अपने घर जाओ। जनमेजय जी महाराज बोले सारी दुनिया से ठोकर खा के तो यहां आया, अब यहां से भी भगा दिया तो महाराज कहां जाऊंगा। आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर बोले अभी अभी तो पिताजी महाराज का पिंड दान किया है महाराज, छोटा सा अबोध बालक हूं, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं तो आपकी शरण में। हाथ जोड़ करके राजा जनमेजय भगवान की स्तुति करते हैं, भगवती से कहते हैं माँ कि दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। जनमेजय जी ने बड़ा कर दिया, व्यास जी ने भरोसा नहीं है तू निकल जा रहे यहां से, मैं सुनेंगे हम तुमको कथा। हाथ जोड़कर जनमेजय बोले गुरुदेव कि यहाँ बिहारी गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा मैं आया तेरे द्वार, यहाँ बिहारी गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, अरे यहाँ बिहारी गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। जाऊंगा सरकार, अरे यहाँ बिहार गया जो कहाँ जाऊंगा सरकार। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा,
अपना फसाना सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। महाराज मैं अपने दुख के निवारण के लिए जहां जहां गया सबने बस एक ही बात बताई कि भगवती की शरण में जाओ शांति वहीं मिलेगी। सबने बताया मैया तेरा ठिकाना, सब कुछ छोड़ के आखिर मैं आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, और यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। हे माँ, सारे संसार को छोड़ करके मैं तेरी शरण में आया, मेरा कोई नहीं है, मैं जानता हूं मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे गलती हुई है, मैं सब जानता हूं, लेकिन दुनिया में एक माँ ही ऐसी होती है जो बच्चे की हजार गलतियों को माफ करके भी गले से लगा लेती है। बोलो राधे, जोर से बोलो। संतान चाहे कैसी भी हो महाराज, छोटा बच्चा, बच्चा छोटा होता है ना, बिस्तर में सोए सोए गंदगी कर देता है, मलमूत्र का त्याग कर देता है, कपड़े गंदे कर लेता है, खुद को गंदा कर लेता है, फिर भी वो माँ मेरा सोना मेरा हीरा मेरा लल्ला कह के गले से लगा लेती है। बच्चा धूल में खेलता है, कीचड़ में खेलता है, गंदगी में खेलता है, और धूल से सना हुआ बच्चा जब घर आता है ना, तो माता अपनी सारी ममता उस संतान पर उड़ेल देती है कि मेरे लल्ला से सुंदर तो दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। करो लाख अपराध करो, परंतु उन सभी अपराधों को क्षमा करके हृदय से लगाने का सामर्थ्य केवल मां में होता है, दुनिया में मां के जैसा कोई नहीं था। जन्मे जय रोते रोते आज मैया की शरण में आया, मां मेरे मन को शांति दो, मेरे चित्त को तृप्ति दो, मेरी बुद्धि को एकाग्र करो। तब महर्षि व्यास ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, तिलक लिया, स्वस्ति वाचन किया और प्रधान श्रोता की गद्दी पर बिठाया। महर्षि व्यास आसन पर बैठे और तब श्रीमद् देवी भागवत के महत्तम को प्रारंभ किया है। बोलो राधे राधे। हे राजन, बहुत समय पहले एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था महाराजा सुद्युम्न, बड़े दिव्य राजा, जैसे भगवान राम जी का राज वैसे राजा सुद्युम्न का राज ऐसा लिखा हुआ है। खूब सुंदर राजपाट करते, कोई भी उनके राज में भूखा नहीं रहता। माँ भगवती के परम सेवक एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार करने गए। घूमते घूमते शिकार की तलाश में भटकते भटकते बद्रिकाश्रम के कुमारिका वन में प्रवेश कर गए महाराज। एक हिरण का पीछा कर रहे, हिरण के पीछे पीछे गलती से कुमारी वन में चले गए, और जैसे ही उनका घोड़ा कुमारिका वन में प्रवेश करता है, राजा के देह की स्थिति बदल गई, परंतु राजा को पता नहीं चला। जंगल का नाम क्या है? कुमारिका वन। क्या नाम है? कुमारिका वन। हाँ, नाम से समझ लेना आगे क्या होने वाला।
राजा घोड़े समेत जंगल में गया, पूरी सेना चली गई जंगल में। थोड़ी देर बाद राजा को जब प्यास लगी तो मंत्री ने कहा, बोले महाराज पास में एक झरना है, चलो पानी पी लें। घोड़े पर से उतर करके राजा चलने लगा और जैसे ही झरने के पास गया और झरने के उस जल में राजा ने अपना प्रतिबिंब देखा तो राजा आश्चर्यचकित रह गया। क्या कहा, थोड़ी देर पहले जिस चेहरे पर रौबदार मूछें हुआ करती थी अब उन होठों पर लाली कहां से आ गई? पहले जिस सिर पर सुंदर पगड़ी हुआ करती थी, स्वर्ण का मुकुट हुआ करता था, अब उस सिर पर जूड़ा कहां से आ गया? जिन हाथों में तलवार हुआ करती थी उन हाथों में कमल का फूल आ गया। सुंदर राजसी वस्त्र परिणीत तो हो गए, लाल रंग की साड़ी पहने हुए राजा ने अपने आप को जब उस जल में देखा तो राजा बड़ा भयभीत हुआ। ये क्या हुआ? सारे मंत्री, सारी सेना, सबने जाकर जब सरोवर में देखा तो सबका रूप बदल गया। जितने पुरुष थे सब स्त्री बन गए, राजा रानी बन गया, घोड़ा घोड़ी हो गया, सबके स्वरूप बदल गए। महाराज राजा बड़ा चल, भगवान की माया समझ करके वही भ्रमण करने लगा। एक दिन अपने मंत्रियों के साथ, सखी सहेलियों के साथ वो सुद्युम्न बैठा था तो वहां से नारद जी महाराज गुजरे। नारद जी को प्रणाम किया, अहो नारद धन्योस्ति प्रीतिस्ते मयि निश्चला। हे नारद, आप परम संत हैं। संत का स्वभाव है परोपकार करना और उसी परोपकार की नीत आप जैसे कल्पवृक्ष समान संत की शरण में मैं आई हूं, भगवान मेरे कष्ट का निवारण करें। तो नारद जी ने पूछा, पहले देवी अपना परिचय दो, आप हो कौन? तो वो सुंदर सी कन्या मीठी सी वाणी में बोली कि महाराज मेरा नाम राजा सुद्युम्न है। नारद जी सोच में पड़ गए, स्वरूप है स्त्री का, नाम है पुरुष का, तू हो कौन? तो बोले महाराज मेरा नाम सुद्युम्न है, मैं पास के ही राज्य का राजा हूँ, शिकार करते करते यहाँ आ गया और जैसे ही इस वन में प्रवेश किया, इस वन की धरती पे पांव रखते ही महाराज मैं तो स्त्री बन गया, अब मैं घर जाऊं कैसे? घर से निकला तब तो बढ़िया मूछों पे ताव दे के निकला, लुगाई ने आरती करी, माथे पे टीका लगाया है? और वापस जाऊंगा बन ठन के साड़ी पहन के मटकते हुए तो लुगाई घर में घुसने नहीं देगी, महाराज घर कैसे जाऊंगा? नारद जी महाराज ने ध्यान लगाया, तुरंत पता चल गया, बोले ये तो कुमारी वन है, इस वन की भूमि पर जो भी चरण रखता है वह पुरुष से स्त्री बन जाता है। बोलो राधे राधे। तो उसने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? बोले कहा, इस पूरे जंगल को भगवती पार्वती मैया का श्राप लगा हुआ है। कैसे? कहा, एक दिन शंकर भगवान माता पार्वती के संग में यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। शंकर भगवान तो परम भीतराग बैरागी है महाराज। शंकर जी एक पत्थर पर बैठ गए, माता पार्वती को गोदी में बिठाया और गोद में पार्वती माता को बैठा करके राम नाम का उपदेश करने लगे। शंकर महादेव हैं, उतने में सब ऋषियों का आगमन हो गया। बिना कोई सूचना दिए, अब कोई दरवाजा हो तो खटका भी करे, आजकल घंटी लगी होती तो टिंग टोंग बजाए, जंगल में कहां घंटी लगे। सब ऋषियों के मन में दर्शन की इच्छा हुई, वो तो नमः शिवाय कहते हुए आ गए। अब शंकर भगवान बैठे, माता पार्वती गोदी में, दोनों राम राम कर रहे हैं, इतने में संत आ गए। शंकर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो न मान की चिंता न अपमान की चिंता, कोई फर्क नहीं। भगवान शंकर बोले, आओ आओ महात्मन, कैसे आना? वो बोले, बस यहां से गुजर रहे थे, आपका दर्शन करें। जल्दी जल्दी में सब ऋषियों ने प्रणाम किया, आगे बढ़ गए। लेकिन माता पार्वती बड़ी लज्जित हुई। पार्वती माता बोली, महाराज ये कोई तरीका है? हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर एकांत में बैठ करके बात कर रहे हैं। देखो पति पत्नी का एक पर्सनल टाइम होता है, क्वालिटी टाइम होता है, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और ये लोग मुंह उठा के चले आए, ये गलत बात है। शंकर भगवान बोले, आपको इनके आने से समस्या है कि इनके पुरुष होने से समस्या है? अगर आपकी कोई सखी सहेली आई होती तो? माता पार्वती बोली, फिर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और शंकर भगवान को तो ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि दिव्य दिगंबरायच्च यत्र शिव स्वरूपणम्। शंकर भगवान तो रहते ही दिगंबर है महाराज, उनको तो कोई लोक लाज है नहीं। भगवान शंकर बोले, ठीक है तो फिर कोई करते कुछ उपस्था? बोले, आप मत करो, हम करेंगे। माता पार्वती ने उस पूरे जंगल को श्राप दे दिया, आज के बाद
जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा, वन में प्रवेश करते ही वह स्त्री हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जैसे श्राप लगा महाराज, जितने तोता थे सब तोती बन गए, जितने बगुला थे सब बगुली बन गए, हिरण थे सब हिरणी बन गए, शेर थे सब शेरनी बन गए, बंदर थे सारे बंदरिया बन गए, सबका रूप बदल गया, श्राप दे दिया। उस वन में केवल एक ही पुरुष प्रवेश कर सकते हैं, वो है परम पुरुष भगवान शिव जी महाराज, शंकर भगवान। राजा शिकार के मद में चूर होकर के गलती से तुम इस जंगल में चले आए, इसलिए तुम भी स्त्री बन गए हो। अब तो महाराज राजा सुद्युम्न फूट फूट के रोने लगे। महाराज मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। नारद जी बोले सब भूल जाओ, गई लुगाई, गई बच्चे, गया राजपाट, अब कुछ नहीं मिलेगा, अब तो कोई बढ़िया सुंदर सा राजा देख के तुम भी शादी कर लो। महाराज बुलबुला दे रहा सुद्युम्न जी, महाराज बोले ऐसा गजब मत करो प्रभु, कोई मार्ग बताओ। तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, ब्रह्मा जी के पास जाओ। क्यों? बोले ब्रह्मा जी जनरेटर है, वही क्रिएटर है, बनाने वाले, उनके पास जाओ, क्या बोलेंगे ब्रह्मा जी। राजा सुद्युम्न मंत्री संत्री के साथ ब्रह्मलोक में गए, कहा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो अंतर्यामी, सब समझ गए। बोले राजन मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? बोले श्राप मेरा दिया हुआ होता तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे करते, थोड़ा कंसेशन देता। ये श्राप तो स्वयं भगवती का दिया है और हम भी भैया उनके हाथ के खिलौने हैं, हम सब कठपुतली हैं, चलाने वाली तो वो पराम्बा है, वो माँ है, तो तुम उनकी शरण में जाओ। तो बोले माता जी से कैसे मिलूं? तो कहा पहले शंकर भगवान के पास जाओ। तो ये स्त्री बनने के बाद में एक बड़ा सुंदर गुण आया कि ये वीणा बड़ा अच्छा बजाती थी, तो हाथ में वीणा लेकर के शंकर भगवान के पास चली गई। शंकर जी ध्यान में बैठे, शंकर भगवान के सामने बैठ करके वीणा बजाने लगी। वीणा बजा करके भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। बोले हमको वापस से पुरुष बना दो। शंकर भगवान बोले एक मिनट, तुम तो कुमारिका वन से आए हो। बोले हाँ महाराज। तो देखो भैया, जिसके ऊपर भगवती नाराज हो उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। पाप रूठ जाए तो माँ आंचल में छुपा लेगी, लेकिन अगर माँ रूठ जाए ना तो फिर कोई नहीं बचा सकता। फिर तो माँ के क्रोध का सामना बचपन में सबने किया होगा, दे बैलन, दे चप्पल, दे चिमटा, दे झाड़ू, जो आ जाए, वो तो माँ है। दो हाथों में हजारों शस्त्र अस्त्र लेकर के फिर तो सुधार में निकल पड़े तो कुछ भी कर दे महाराज। शंकर भगवान बोले देख भैया, बाप रूठे तो माँ बचाए, लेकिन माई रूठ गई तो कौन बचाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ भगवती की शरण में। माता जी के पास गए, बोले माता जी कृपा करो। अब माता जी के तो दर्शन ऐसे होते नहीं, जया विजया ने दरवाजे पर रोक दिया। बोले ऐसे नहीं, अपॉइंटमेंट लेके आओ। अब ये इला बोली अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी? बोले अपॉइंटमेंट तो सेवक देंगे। सेवक कौन? कहा संतों की शरण में जाओ। ये चली गई सनत कुमारों के पास, हाथ जोड़कर स्तुति करी, महाराज जगदम्बा के दर्शन करा दो। सनत कुमारों ने कहा भैया देवी भागवत सुनो, पहले तो आप समझो कि दर्शन करना कैसे है, ये प्रोटोकॉल है, इसको समझो पहले। देवी भागवत सुन करके मनुष्य भगवती की आराधना कैसे करे इसका ज्ञान प्राप्त करता है। हम लोग चले जाते हैं बढ़िया जाकर के, कोई भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ले लिए, माला हाथ में ले लिए और खूब जोर जोर ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चय नवान्न मंत्र का जाप करते हैं। महाराज नवान्न मंत्र को मंत्रों का राजा कहा गया, मंत्र राज। नवान्न मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है। तीनों शक्तियां उमा रमा ब्रह्माणी, तीनों शक्तियां इस एक मंत्र से प्रसन्न होती है, क्योंकि यह मंत्र साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा का, उस महाशक्ति का है। अब मंत्र को लेकर के हम लोग चालू हो जाते हैं, कहीं पर भी गा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी मंत्र बोले जा रहे हैं और सोचते हैं कि माता जी प्रसन्न हो जाएंगी। माता जी प्रसन्न तो नहीं होती, उल्टा पुल्टा रिजल्ट दिखने लगता है। जब उल्टा रिजल्ट दिखता है तब भागते हैं, बाबा जी महाराज जी, कोई आबा बाबा कुछ नहीं कर सकता अगर भगवती नाराज हो गई तो। बोलो राधे राधे।
जोर से बोलो। यदि मां रूठ गई तो याद रखना संसार में कोई नहीं बचा सकता। तो सनत कुमारों से पूछा भगवती प्रसन्न कैसे होगी, और उसी महात्म में देवी भागवत की कथा सुनाई। 9 दिन तक देवी भागवत की कथा सुनी, नवरात्र का 9 दिन का पारायण किया, व्रत किया, और उस व्रत का प्रभाव रहा कि भगवती जगदम्बा पार्वती मैया प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। बोले पार्वती मात की का वरदान मांगो, तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न है, तुमने कथा सुना, क्या चाहिए? हाथ जोड़कर बोले माता जी वापस से हमको जेंट्स बना दो ना, बड़े दिन हो गए स्त्री बन के घूमते घूमते, अब तो लाज भी आने लगी है, महाराज वापस से पुरुष कर दो। भगवती माता बोली कि तुमको पुरुष बना दिया तो लोगों को तो पता चल जाएगा कि एक बार गलती करो फिर माफी मांग लो तो छुट्टी, ऐसा नहीं, हम तुमको सीख देंगे। क्या सीख दी? बोले 6 महीना पुरुष रहोगे, 6 महीना स्त्री रहोगे। बोलो राधे राधे। अब जब ये 6 महीना पुरुष रहते तो राज करते, 6 महीना स्त्री रहते तो महल में छुप करके रहते। भगवती की कृपा से राजा सुद्युम्न को अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई। देवी भागवत की कथा को सुनकर के मनुष्य जो भी मनोकामना मन में रखे वह मनोकामना अवश्य पूरी होती है, इसकी गारंटी देवी भागवत स्वयं देती है। मनोकामना पूर्यंति थैव च, देवी भागवत गर्जना करती है कि जिसका काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो देवी भागवत की शरण में आ जाओ। एक बार जीवन में देवी भागवत की कथा सुन लो तो आने वाले कई जन्मों तक चित्त में शांति बनी रहती है। महाराज धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धीरज की प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। सावधान होकर के श्रवण करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान तो यहां तक कहते हैं कि श्लोकम वा श्लोक पदम वा श्लोकार्धम शब्दमेव च, देवी भागवत का एक श्लोक भी किसी के कान में पड़ गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। बोले गुरुदेव एक श्लोक नहीं सुन सके तो बोले आधा सुन लो उसमें भी कल्याण है, आधा नहीं सुने तो कहा एक श्लोक में 4 पद होते एक पद सुन लो, एक भी नहीं सुने तो उसका भी आधा सुन लो। और बोले वो भी कोई आदमी फूटी किस्मत का वो भी नहीं सुन सके तो कहा देवी भागवत का एक शब्द भी अगर कान में पड़ गया तो उस जीव के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। लेकिन ये वाली जो व्याख्या है ना इसको कलयुग के लोगों के लिए नहीं बनाया, क्योंकि कलयुगी आदमी बड़ा चालाक होता है। भागवत सुनो पाप धुल जाएंगे, गंगा में नहाओ पाप धुल जाएंगे, गौदान करो पाप धुल जाएंगे, हवन कर लो पाप धुल जाएंगे, सावन में रुद्राभिषेक करा लो पाप धुल जाएंगे, बिल्कुल धुलेंगे, गारंटी से धुलेंगे, लेकिन कलयुगी लोगों के नहीं धुलते। क्यों नहीं धुलते? बोले हम तो ऐसे लोग हैं महाराज, आज दुनिया भर का पाप इकट्ठा करके गंगा जी में डुबकी लगा लिए, जैसे डुबकी लगा के बाहर निकले बोले पुराना हिसाब क्लियर, चलो नया बही खाता शुरू करो। होते कि नहीं ऐसे? 8 दिन बढ़िया भागवत सुनी, देवी भागवत की कथा सुन ली, खूब मन लग गया, भगवती हे माँ, न था तो न माता न बंधु न दाता, गतिस्पम गतिस्पम तुम्हें का भवानी, माँ तेरी शरण में मेरा तो सब कुछ तू ही है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवात्रा हिमाम परमेशानी, भगवती कृपा करो, सब कुछ माफी मांग ली, सब कुछ कह दिया। 8 दिन कथा सुनी, 9वें दिन बोले अब तो सारे पाप धुल गए, अब तो हम पवित्र हो गए, आज से एक गिनती फिर से शुरू। जो व्यक्ति ऐसा सोच करके भगवान की कथा सुनता उसके पाप तो खुद भगवान भी नहीं धो सकते। बोलो राधे राधे। किसी भी ग्रंथ की कथा को सुनकर के किसी भी पुराण को श्रवण करने से आपको अपने संचित कर्मों के पाप से मुक्ति मिलती है, परंतु साथ ही प्रायश्चित भी करना पड़ता है। एक बार जो अपराध कर लिया उस अपराध की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा नहीं करे, ऐसा मन में संकल्प कर लो, आपको तुरंत पाप से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो राधे राधे। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पापी वो नहीं है जो पाप करता है, पापी ज्यादा बड़ा पापी तो वो होता है जो पाप करके मानता नहीं कि मैंने किया है। एक आदमी को होता है ना जो चोरी करके बोले कि नहीं मैंने तो करी नहीं,
मन तो जानता है ना, भगवान तो देख रहा है ना, लेकिन दुनिया को कहे कि मैंने की नहीं। एक आदमी वो जो गलती करके माने कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, ऐसे आदमी की रक्षा खुद भगवती करती है। और जो आदमी पाप करके भी ढीठ के जैसे दुनिया के सामने अड़े, उसका साथ सारी शक्तियां छोड़ देती है। तो देवी भागवत का महत्व बड़ा अद्भुत है महाराज। जिसको जीवन में शक्ति चाहिए, जिसको जीवन में नाम चाहिए, मान सम्मान चाहिए, जिसको भोग चाहिए, जिसको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी हो, वो देवी भागवत की शरण में आए और प्रतिदिन आकर के देवी भागवत की कथा का स्मरण करे, श्रवण करे, और उन शब्दों को, उन चरित्रों को, उन कथाओं को और कथा में बताए गए उन उपायों को, भगवती की आराधना को, साधना को अपने चित्त में सात्विक भाव से धारण करे, माँ भगवती आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। कल से कथा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होगी और संध्या 5 बजे तक कथा का आयोजन है, और उसी समय के अनुसार आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कल दोपहर 1 बजे से कथा प्रारंभ होनी है, अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कथा का आनंद ले, कथा का लाभ ले। आज चूंकि कथा का महत्तम का दिवस था, अभी आप लोगों ने देवी भागवत के महत्व को श्रवण किया, थोड़ी देर नाम संकीर्तन करके फिर आरती करेंगे, आज की कथा को विश्राम, क्योंकि ज्योति प्रज्वलन का भी कार्यक्रम अभी करना है, ज्योति भी प्रज्वलित होगी माता जी की, नवरात्र का प्रथम दिवस है। उसके पूर्व आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा। हम लोग आज के दिन हिंदू नववर्ष क्यों मनाते हैं? एक तो मुझे इस बात से बड़ी समस्या है, जिसको देखो बधाई देगा हिंदू नववर्ष की बधाई, हिंदू नववर्ष, अरे हिंदू नववर्ष नहीं, पूरे संसार का नववर्ष यही है। वो लोग बेवकूफ हैं जो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। पूरी सृष्टि का नया साल आज ही के दिन, चैत्र प्रतिपदा के दिन, ये पूरे ब्रह्मांड का नया साल है। केवल हिंदुओं का नया वर्ष नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का। बस ये है कि पाश्चात्य पैशाचिक संस्कृति के लोग मानते नहीं है, सनातन धर्म के लोग इसको अभी भी मानते हैं। पूरे ब्रह्मांड का यह नव वर्ष कैसे है? आज ही के दिन भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। आज ही के दिन से संवत्सर हमारा प्रारंभ होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो इसको हिंदू नववर्ष मत कहा करो। चैत्र प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके जीवन में आनंद, शक्ति, भक्ति एवं उमंग लेकर के आए। इस वर्ष आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। हम लोग 2080 में प्रवेश कर गए तो महाराज 2080, अब बताओ दुनिया चल रही 2023 में, हम 80 में। हम लोग सारी दुनिया से आगे हैं महाराज, हम लोग तो 2080 में जीने वाले लोग, 23 तो उन बेचारे कमजोर लोगों का है। हम लोग तो उस संस्कृति के मानने वाले हैं कि कैलेंडर में भी बहुत आगे हैं। हाँ, तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करें, तदुपरांत आरती और फिर ज्योति प्रज्वलित करने का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय हो, मेरो राधा वल्लभ लाले, ओ लाले मन रखियो अपने चरण में, मेरो राधा वल्लभ लाले, ओ लाले मन रखियो अपने चरण में, मेरो राधा वल्लभ लाले, ओ लाले मन रखियो अपने चरण में, मेरो राधा वल्लभ लाले, मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो श्री वृंदावन, मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो श्री वृंदावन में, मेरो राधा, मेरो राधा,
Oh, my God.
राजत एक नाज में भी राजत दो गरगर में भी राजत दो बड़ी बोल में भी राजत कोटि हथ जोड़।